सभी से बार बार बस यही निवेदन, यहाँ आके बैठ जाओ। देखो बढ़िया लग रही है, अब तो ऐसे लग रहे हैं भैंस डो ठाड़े हो। देखो परमात्मा ने बड़े बढ़िया बनाए हाथ पांव मनते, बैठ जाओ आके। हमारी तो भैया अर्जी है मर्जी, तुम आइए बैठो चाहे मत बैठो। बारी बारी से सभी कलाकार आपके बीच में अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। दूसरा राउंड जारी है और लिखा किसी कवि ने और भैया कहा कैसे, एक घोड़ी सी सूरत राज करे, एक मांगत भीख मलूक भिकारी, एक सोने की छत्र की छांह जले, एक धूप में काम करे बड़ारी, चतुर नार बेटन कूतर से और भूवरिया जन जन के हारी, और शेष टरे सुमेर टरे और या कर्म की रे टरे ना। सुबह का वक्त और कह रहा है कवि भैया, अरे पंछी। और देखो एक बार जयकारो जरूर लगा दो, चूंकि तुम पे सुस्ती आ रही हो, रात में रह गई तुम्हें बैठे बैठे। हाँ भैया बोल के बिहारी लाल की, देख लो हाथन ने फिर उन्हें उठाए रे, मैंने पहली बताई तुम्हें और फिर दोबारा के पाए भी डोल ले। जो जितना ऊपर हाथ उठावेगा वो उतना ही जल्दी ऊपर जावेगा। हाँ मामा मुनक्का ना लाए, एक बार हाथन ने उठाए के बोल दियो, बोल के राज महाराज की। और भैया कहा, अरे पंछी और पिंजरा में तू भजले सीता, राम बैठो मत रही हो। भजले सीता राम बैठो मत रहियो ताख में, क्यों राम ने भक्तन के प्रण पारे। जा राम के नाम में बड़ा फायदा है, कैसे भैया, राम ने भक्तन के प्रण पारे हो या से तर गए सब संत बिचारे, बैठो मत रहियो बंदे ताख में। और कहा, हे रे गर्भ ए गर्भ की ओ है वालंकाधीश ने मेरे भैया, मोनू भैया कहा, ए गर्भ गर्भ की ओ है वालंकाधीश ने, बड़े बड़े घमंडी भये पर देखो घमंड तो रावण को ना चलियो, नानी माइयों रुपया ने निकाल लियो। हाँ अकेली देवती आई है तुम्हारी, सुनिए कहा, ए गर्भ की ओ है वालंकाधीश ने, और देखिए ए रे जाके हमें जाके
ध्यान को वहीं लगा दें जहां कि मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला, बोली ऐसी बानी है, अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की, ठानिए कौन गांव कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले कौन गांव कहा नाम तुम्हारो, और तू क्यों नाम होए बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। जब इतने वचनों को उस व्यक्ति ने सुना वो कह रहा है, देवी आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं तो सुनिए, जो चिता में बैठा हुआ व्यक्ति है वो रानी द्रौपदी को अपना परिचय दे रहा है। और मोनू भैया कैसे दे रहा है सुनिएगा, कहा थर थर कांपे अंगा, नाम मेरा दंगा, के रज धानी और वा मनमोहन के, ए मनमोहन के डर से अपनी कर रहे हो खत्म, से उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम दंग है। और राजा दंग कह क्या रहा है भैया, कहा अब की ओ शाम ते पैर ना आई मेरी, क्या अब की ओ शाम ते पैर ना आई मेरी, की ओ शाम ते पैर ना आई मेरी, फिर सुनो महारानी। और एक कैमरा पे पुरस्कार बड़े भैया माधव जी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा अरे कियो शाम ते, कियो शाम ते पैर ना आई मेरी, फिर सुनो महारानी, और अरे याही कारण, याही कारण, याही कारण रानी मैंने देह त्यागन की, श्याम जी आ जाओ उनकी तरफ से आया है। और इक्यावन रुपए का पुरस्कार बड़े भैया की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार बंधु बारी बारी से बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके जा रहे हैं। पर देखिए विद्वानों कहा किसी ने, और भैया कैसे, क्या जो देता दुख गरीबों को, जो देता दुख गरीबों को, और शैतान उसी को कहते हैं, और जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को। और हमारी नानी जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जो करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं, और हेरे राजा रंग कुसुम राखे, ए जो राजा रंग कुसुम राखे, जो राजा रंग कुसुम राखे, शमशान उसी को कहते हैं। मोनू भैया जो राजा रंग कुकुसम राखे, और शमशान उसी को कहते हैं, और
जो पार लगा दे क्या, जो पार लगा दे, पार लगा दे, पार लगा दे नैया को भगवान उसी को कहते ही जो पार लगा दे। उस व्यक्ति ने रानी द्रौपदी से कहा, मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया है। रानी द्रौपदी कह रही, राजा दंग ऐसो कहा कसूर भयो। निवेदन करूंगी कथा को बड़े गौर से सुनिएगा। ऐसो कहा कसूर भयो जो मोहन तो कुमार रहे हो। अरे सत्य बात बतला दे मोकू तू कैसे हिम्मत, पूरी मदद करूंगी तेरी क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूं, पूरी मदद करूंगी तेरी और तू मत मन में घबरावे। अरे राजा क्यों प्राण गवावे। आहा विद्वानों, एक स्त्री की बातों को उस राजा ने सुना। राजा कह रहा है, देवी आप एक स्त्री होकर के कह रही कि मैं तेरी सहायता करूंगी। राजा दम को पता नहीं है कि ये रानी द्रौपदी है। आहा, स्त्री की बातों को सुनकर के राजा दंग कह रहा है, देवी आप मेरी मदद नहीं कर सकती। क्यों? सुनिएगा भैया कहा कैसे। मामा तुम नोट ऐसे लाए थे खाते लाए, दुकान पे जो सबसे ज्यादा खस्सी नोट अपने भी नहीं लिया। हाँ सुनिए क्या कह रहा है राजा दंग। क्या कह रहा राजा दंग, अरी एरी कहा देगी मोई सहारो और मोते रूठो बंसी मारो। हमारे प्रधान जी की तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। पता हो तुम्हें कहा कह रहे जो कह रहे ना तो ते सब मामा अपने ताऊ चाचा जो के बारे बड़े चतुर हैं वैसे नु कह रहे खुटेला बहुत सुई दरे। हां कहा एरी कहा देगी मोए सहारो और मोते रूठो बंसी मारो। अब देखो जी जिकड़ी को चौक चलो जाए हमारे बड़े बूढ़े गायो करे। और मोनू भैया कैसे गाते बड़े बूढ़े, अरे तेरी मित्र दुनिया में डोलिया आयो रानी द्रौपदी। इतनी बातों को सुनकर के कह रही है राजा इन सांसों का कुछ भरोसा नहीं है, आज है कल ना रहे। पर देख
ओ तेरे सर पे कर जे काल मान जा तू। भैया ओ तेरे सर पे कर जे काल मान जा तू। ओए ओ मत चले क्या और मत चले अदा की चाल मान जा तू। ओ मत चले अदा की चाल और कहा अरे कोठी बंगला बड़े हुए थारे क्या अरे कोठी बंगला बड़े हुए थारे। भैया फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए मोनू भैया। अरे कोठी बंगला बने हुए थारे ओए फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए ओए। अरे दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए और हेरे लंबी गर्दन चौड़ी रे छाती घर में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी रे छाती हाँ टेंशन मत करो पर कहा पर सांसों का कुछ भरोसा नहीं है। जब कहा ए जीना रहनी 100 साल मान जा तू। ओए ओ मत चले क्या और मत चले रे मरोरा चाल मान जा तू। मत चले है मरोरा देवी आप मेरी सहायता नहीं कर सकती। रानी द्रौपदी कह रही है राजन अरे राजा तू मुझे जानता है मैं हूं कौन। तो राजा दंग ने साफ साफ इनकार कर दिया कह दिया देवी क्षमा करें मैं आपको नहीं जानता। तो रानी द्रौपदी राजा दंग को अपना परिचय दे रही है और कह रही है जग जाहिर है पत मेरे। रानी द्रौपदी ने कहा क्या जग जाहिर हे पत मेरे। बोली बचन उचार नाम द्रौपदी है मेरो में पांडु सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है तेरी मृत्यु का कारण क्या है। आहा जैसे ही राजा दम को ये पता लगा विदित हुआ कि ये रानी द्रौपदी है। विद्वानों राजा दम रानी द्रौपदी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहे हैं और सुनिएगा जिकड़ी का ढोला और भैया कैसे।
अरे शरण मेरी में आई। क्या हाय शरण मेरी में आई। कहा रानी सुन, कैसे चाकू दे तो मैं पीते दिखा। अब सुनिए ढोला का जरा। और भैया कहा वादिना ए वादिना 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 हिल की सो भर भर राजा रोही रहो भर भर राजा रोई रहो जाके नैनन से। भैया एरे जाके नैनन से हम्मा जाके नैनन से मेरे बाबा जाके ओ मेरे भैया जाके नैनन से बरस रही जल की धार बादिना रोई रोई के राजा ऐसे यहां सुनने वाले श्रोता बैठे। पहले एक तोहफा मेरी तरफ से आप सबकी सबके लिए। पहले धुन सुनिए, बुजुर्गों के जमाने का गीत है और गाया मुझे तेरी। क्या ए मुझे तेरी मोहब्बत का मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और अगर तू था अगर तू था नहीं आता अगर तू था नहीं आता किनारा मिल गया होता। ये तो रही धुन। अब एक तोहफा मेरी तरफ से। क्या भलाई कर भैया भलाई कर भला होगा बुराई तू कर बुरा होगा। संसार में कोई भी हो मैं हूं आप हो कोई भी हो तो भलाई कर भला होगा बुराई तू कर बुरा होगा। क्यों भलाई कर भला होगा ए भलाई कर भला होगा बुरा कोई देखे क्या ए कोई देखे मोनू भैया कोई देखे कोई देखे या ना देखे। और अगर बात सत्य लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए कोई देखे